वेलकम टू पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में 2D फेनविक ट्री पढ़ने वाले हैं। ओके सो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार फेनविक ट्री हमने कर लिया है। सो फेनविक ट्री से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि यार मैं यूट्यूब पेपकोडिंग के यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूँ, उसकी वीडियो डालूँ, तो कमेंट में उसके लिंक को शेयर कर दो। राइट एंड ऑल्सो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बोला जाएगा तो आपको इनपुट के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया जाएगा, क्या टॉप लेफ्ट कॉर्नर के बॉक्स को दे दिया 2.3 एंड बॉटम राइट के 5.5, इस रेक्टेंगल के सम को निकाल कर रिटर्न करो। राइट सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं फेनविक ट्री के, 2D फेनविक के थ्रू, ये कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह लास्ट में रहेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप 2D फेनविक ट्री पढ़ रहे हो तो 1D फेनविक ट्री मस्ट है। अगर आपको 1D फेनविक ट्री लीनियर 1D अगर आपको नहीं पता तो आप 2D नहीं समझ पाओगे। तो 1D का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उसे देख लो तभी ये यूज़फुल है, अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा ये। ओके सो 2D फेनविक ट्री में जैसे 1D में हम 1D एरे के साथ काम करते हैं, यहाँ पे 2D एरे के साथ काम करेंगे। राइट तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार फेनविक एरे जो मैं बनाऊंगा उसके एक बॉक्स में हम क्या स्टोर करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से 4.5 की मैं बात करूँ, यार फेनविक एरे के 4.5 में आप क्या रखने वाले हो? तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है ये आपको आइडिया होगा 1D एरे से, ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इन बिट्स के फॉर्म में। जैसे 5 का बिट मैंने देखा 101, लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट क्योंकि पावर 0 है। सो 5 से पहले वाले एक बंदे के को मैंने ड्रा कर रखा है। राइट जैसे 4 के लिए 100, लीस्ट सिग्निफिकेंट इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। तो मैंने 4 से पहले पहले चार बंदों के लिए ड्रा कर रखा है। राइट सो ये 1D लाइक रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों मैंने ड्रा कर रखा है। 4.5 पे पता मैं क्या स्टोर करूंगा, 4.5 पे देखो ये जो लाइन ड्रा कर रखा है एक, मतलब ओरिजिनल एरे में सिर्फ 5th कॉलम के बंदों को, एंड 4 पे मैंने ड्रॉ कर रखा ये रहा 4 बंदों को, मतलब जो रो वाइज है वो चारों बंदों का, मतलब मैं इन चारों के सम को इस पे स्टोर करूंगा। देखना कॉलम कौन सा मैंने पिक करा, 5, कैसे पिक करा, बिट्स के बेसिस पे, एंड रो मैंने कितने पिक करे, अगेन बिट्स के बेसिस पे, उन सभी के सम को मैं यहाँ स्टोर करूंगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से 3.4 है, लेट से 3.4 है, तो कॉलम देखो 4 का कॉलम मैंने ये ड्रॉ कर रखा है बिट्स की वजह से। सो चारों ही कॉलम, मतलब ओरिजिनल एरे के चारों ही कॉलम को पिक कर लो। रो की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 3rd रो, मतलब 3.4 पे मैं इन चारों बंदों के सम को स्टोर कर रहा हूँ। ओके एक लास्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 6.2 लेट से 6.2 पे मैं क्या स्टोर करूँगा। तो देखना 6 के बाइंड्री को देखो, ये दो बंदे हैं, मतलब इन दोनों रो को पिक करना है। 2 कॉलम 2 को देखो, ये दो कॉलम की बात कर रहे हैं, मतलब दो कॉलम और दो रो, इन चारों के सम को मैं स्टोर करने वाला हूँ। ओके सो एक बॉक्स पे हम बिट्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या स्टोर हो रखा होगा। राइट सो प्री प्रोसेसिंग में मैं ये स्टोर करूंगा। अब प्री प्रोसेसिंग मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या प्री प्रोसेसिंग होता कैसे है। जैसे 1D में हम अपडेट को यूज़ करके प्री प्रोसेस कर पाते थे, एग्जैक्टली वैसे ही 2D में भी हम अपडेट को यूज़ करके प्री प्रोसेस कर पाएंगे। राइट तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा अभी यार ये एरे क्रिएटेड है, इसमें नंबर हमने रख रखा है, एक इंडेक्स पे कौन से वैल्यू को रख रखा है वो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा। राइट अब क्वेरी देखते हैं। लेट्स से आपको क्वेरी दी गई, क्या क्वेरी दी गई यार 2.3 से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.3 से 5.5 तक के सम को निकाल कर लेकर आ जाओ। 2.3 टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड 5.5 बॉटम राइट कॉर्नर। राइट तो पता है फेनविक ट्री के थ्रू हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि यार पहले इस वाले बॉक्स को, मतलब प्रीफिक्स सम वाले कॉन्सेप्ट को, जैसे 1D फेनविक ट्री में भी हम क्या करते हैं 5 से 10 तक का सम निकालना होता था तो 1 से 10 निकालते थे, 1 से 4 निकालते थे, 1 से 10 -1 to 4 वो हमारा फाइनल आंसर होता था। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे 2.3 to 5.5 चाहिए तो फेनविक एरे को यूज करके हम हमेशा 1.1 से किसी भी बॉक्स तक का सम निकाल सकते हैं सिर्फ। राइट 1.1 से 5.5 या 1.1 से 2.5 या 1.1 से 5.3, इन्हीं सब का सम निकाल सकते हैं फेनविक एरे को यूज करके। लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर फिक्स होता है 1.1, उतने बंदों का ही आप निकाल सकते हो। राइट तो अगर आपको 2.3 to 5.5 चाहिए एंड आप 1.1 से बंदों का सम को निकाल सकते हो, तो देखना मैं कैसे निकाल पाऊंगा।
1.1 से 5.5 या 1.1 से 2.3 कैसे निकालूंगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ कि 2.3 से 5.5 तक लेट से आपको निकालना है, तो पता मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1.1 से 5.5 निकालूंगा। तो मैंने सबसे पहले निकाला, यहाँ लिखता हूँ 1.1 टू 5.5। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बताऊँ तो समथिंग ऐसा हो जाएगा कि यार 1.1 से x2.y2 तक निकालो, फिर इसमें से माइनस कर दो। पता है क्या माइनस करना होगा, ऊपर वाले पार्ट को। ये ऊपर वाला पार्ट पता है क्या है, 1.1 टू 1.5। ये 1.5 पता है क्या है, कुछ नहीं, x1-1 इस वाले पॉइंट से भी पहले वाले x कोऑर्डिनेट एंड जो y2 है वहां तक, x1-1 टू y2, उन सभी को माइनस कर दो। देन अगेन एक और माइनस करूंगा मैं, देखना एक और माइनस में क्या करता हूँ, 1.1 टू 5.2। ये पता है क्या है, 1.1 टू 1.1 x2-1 not x2-1 1.1 x2 and y1-1, ये बन रहा है x2 to y1-1 5.2। मतलब कौन से पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ हटाने को, इस वाले पार्ट को हटाने को कह रहा हूँ, राइट। तो पता है इससे क्या हुआ, आपने ये पार्ट दो बार हटा दिया है, तो इसे एक बार आपको ऐड करना होगा, सिंपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। तो सिंपल फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1.1 टू ये जो x1 y1 है उसका -1, x1-1 y1-1। ये रहा, अगर आपने इस तरीके से इंक्लूजन एक्सक्लूजन करा तो आप सिंपली सकते हो किसी भी रेक्टेंगल से, राइट। तो इसे मैं जनरलाइज करके कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, कि 1.1 टू x2 y2, 1.1 से x2 y2 सबसे पहले निकालो, x2 y2 का तक का सम निकालो, देन x1-1 y2 देन x2 y1-1 एंड फाइनली आपको ऐड करना है x1-1 y1-1, राइट। सभी का सिर्फ मैंने बॉटम राइट कॉर्नर लिखा है, टॉप लेफ्ट 1.1 ही है, राइट। अगर आपने ऐसा करा तो आप सिंपली निकाल जाओगे। सॉल्व करते हैं कि यार 1.1 से किसी भी एक कोऑर्डिनेट तक का सम कैसे निकाला जाए। जैसे मुझे 1.1 से अगर 5.5 तक का चाहिए तो आप फिनवी कैरे से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल है, देखना। जैसे मुझे 1.1 से 5.5 तक निकालने को बोला गया, तो मैं एक एक्स कोऑर्डिनेट लूंगा जो y पे होगा एंड एक y 5 पे होगा, जो लास्ट कोऑर्डिनेट जहाँ तक का सम हमें निकालने को बोला गया है। सो 1.5 मैंने ले लिया। अब हम सबसे पहले फिनवी कैरे के इस वाले इंडेक्स को देखेंगे। इस वाले इंडेक्स से पता है हमने क्या स्टोर कर रखा है, देखना ध्यान से, गिवन एरे के सिर्फ फिफ्थ कॉलम एंड फिफ्थ रो के सम को, सिर्फ इस सम को मैंने स्टोर कर रखा है इस वाले पे। मैंने उसे अपने वैल में इंक्लूड कर लिया, वैल में मैंने प्लस इक्वल टू कर दिया। इस वाले फिनवी एरे के इस वाले इंडेक्स को ऐड करा, बट एक्चुअली इसे ये ऐड कर गया मैं, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे 1D एरे में बिट्स लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट को ऑफ करता हूँ, वैसे ही मैं वाई के लीस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट को ऑफ करूँगा। सो 5 के लीस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट को आप अगर ऑफ करोगे तो 100 आ जाएगा, आपका 4 चला जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा। सो वाई को मैं 4 पे लेकर चला जाऊँगा। सो अब इस वाले बॉक्स को मैं चेक कर रहा हूँ, देखना इस वाले बॉक्स में मैंने क्या स्टोर कर रखा होगा गिवन एरे में। इस वाले बॉक्स में पता मैंने क्या स्टोर कर रखा है, गिवन एरे के चार कॉलम, गिवन एरे के चार कॉलम और रो सिर्फ 5 रो के चार बंदे, मतलब इन चारों के सम को मैंने स्टोर कर रखा होगा इस वाले बॉक्स में। तो वैल में उसे ऐड करूंगा तो ये सभी बंदे ऐड हो गए, ठीक। फिर अगेन वाई 4 पे, 4 के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को अगर मैं ऑफ करूंगा तो वाई 0 पे आ जाएगा, तो 0 पे आती ही वाई खत्म हो गया। अब वाई खत्म हुआ तो एक्स को मैं चेंज करूंगा, यही काम एक्स के साथ करूंगा। एक्स के साथ क्या करूंगा, एक्स अभी 5 पे, उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। एक्स वैल्यू जैसे ही 4 हुई, वाई को फिर से मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, वाई को मैंने फिर से 5 से स्टार्ट करा, 5 का ये वाला बंदा मैंने ऐड करा। इस वाले बंदे पे पता है मैंने क्या स्टोर कर रखा है, गिवन एरे के सिर्फ फिफ्थ कॉलम, देख रहे हो 5 पे ये वाली लाइन बना रखी है मैंने, सिर्फ फिफ्थ कॉलम एंड रो 4, मतलब फिफ्थ कॉलम के चार बंदे, इन चारों को मैंने स्टोर कर रखा है, इन चारों के सम को मैंने अपने वैल में ऐड कर लिया। फिर मैंने क्या करा, वही वाई के साथ, वाई के लीस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट को मैंने ऑफ करा तो y आ गया 4 पे। अब मैंने इस वाले बॉक्स को देखा, इस वाले बॉक्स में पता है मैंने क्या स्टोर कर रखा है, गिवन एरे के चार कॉलम एंड गिवन रो भी 4, मतलब इन चारों के सम को, इस पूरे के सम को, कॉलम भी 4
और रो भी चार, तो इन चारों के सम को मैंने यहाँ स्टोर कर रखा होगा, उसे मैं अपने वैल्यू में ऐड कर लूँगा, मतलब इन सभी के सम को मैंने ऐड कर दिया। फिर वाई को मैंने, वाई के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को मैंने ऑफ करा, तो 100 को ऑफ करने पे वाई जीरो हो गया। जैसे वाई जीरो हुआ तो एक्स पे गया मैं, एक्स के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को मैंने जीरो करा, 4 को फिर से मैंने जीरो करा तो एक्स भी जीरो हो गया, तो बात खत्म। आप देख सकते हो 1.1 से 5.5 तक के सम को मैं निकाल चुका हूँ, राइट। फिर से किसी और इंडेक्स के लिए करते हैं, किसी और इंडेक्स के लिए करते हैं, लेट्स से ये बंदा नीचे की तरफ है, हाँ जी। सो लेट्स से मेरे पास मुझे दिया गया है, लेट्स से 3 to 6, मुझे बोला गया कि और 1.1 से गिवन एरे में 1.1 से 3.6 तक का सम निकाल कर दे दो। तो मैंने x को 3 पे रखा, y को 6 पे रखा, मैंने सबसे पहले 3.6 वाले बॉक्स को देखा, 3.6 पे पता मैंने गिवन एरे के किसे स्टोर कर रखा होगा, फिर मैं कह रहा कि 3.6 पे, 6 पे देखो कॉलम 2 एंड रो सिर्फ 1, सिर्फ थर्ड रो के 2 कॉलम के बंदों को, इन दोनों को मैंने स्टोर कर रखा होगा, तो अपने वैल में मैं इन दोनों को प्लस इक्वल टू कर दूंगा। फिर y के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करो तो y 4 बन जाएगा, 100 इज नथिंग बट 4, y आ गया यहाँ पे। अगेन इस वाले को मैंने अपने वैल में ऐड करा, इस वाले को वैल में ऐड करने से पता है गिवन एरे के कौन कौन से बंदे ऐड हो गए, 4 पे देखो कॉलम 4 एंड 3 सिर्फ 1, सिर्फ थर्ड रो के 4 बंदे, ये चारों ऐड हो गए, ओके। फिर y के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को मैंने ऑफ करा, 100 को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऑफ करोगे तो वो 0 हो जाएगा, जैसे ही वो 0 हुआ तो x के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ कर दो, तो 011 को ऑफ करोगे तो 010 दैट इज 2, सो x 2 पे आ जाएगा। फिर y को कहाँ से स्टार्ट करोगे, वहीं से जहाँ पे आपने पहली बार करा था, मतलब अगर 3.6 दिया था तो 6 से स्टार्ट कर रहे हो तो सभी x के लिए वहीं से स्टार्ट करोगे, तो फिर से आपने 6 पे उसे सेट कर दिया, 6 पे सेट करते ही मैंने इस वाले बॉक्स के वैल्यू को अपने आंसर में ऐड कर लिया। इस वाले बॉक्स में वैल्यू मैंने क्या स्टोर कर रखा होगा, गिवन एरे के कॉलम के 2 बंदे एंड रो के भी 2 बंदे, रो के 2 बंदे कॉलम के 2 बंदे, मतलब इन चारों के सम को यहाँ पे स्टोर कर रखा है। जैसे ही इस वाले बंदे को मैं इसमें ऐड करूँगा अपने आंसर में, तो इन चारों के सम को ऐड कर जाऊँगा मैं। फिर वाई के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को आप ऑफ करो, 4 पे आ जाओगे, अगेन 4 पे आती फिर आपने क्या करा, इस वाले बॉक्स को ऐड करा, इस वाले बॉक्स में मैंने स्टोर क्या कर रखा होगा गिवन एरे के, वो देखना, गिवन एरे के कॉलम के 4 बंदे एंड रो के 2 बंदे, 2 रो एंड कॉलम 4, मतलब इन चारों इन 8 बंदों के सम को मैंने स्टोर कर रखा होगा, जैसे यहाँ से मैं ऐड करूंगा ये सभी ऐड हो जाएंगे। अब वाई के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करो, वाई 0 हो गया, फिर एक्स के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करो, वो भी 0 हो गया, तो खत्म, जो हमें आंसर चाहिए इन 4 बॉक्स के सम से बन रखा है, राइट। तो आप क्वेरी किसी भी 1.1 से किसी भी इंडेक्स तक के फाइंड आउट करने को ऐसे कर सकते हो, ओके। इसका कोड भी देखेंगे हम। सो अब अपडेट कैसे करोगे, सेकंड टाइप की जो आपके पास क्वेरी आ सकती है वो अपडेट है, ओके। सो अपडेट कैसे करोगे, लेट्स से मैंने आपको क्या बोला कि यार 3.5 पे, लेट्स से 3.5 पे प्लस 4 कर दो, तो 3.5 पे अगर आप प्लस 4 करना चाहते हो, और लेट्स से 3.3 पे प्लस 4 कर दो, तो अगर 3.3 पे आप प्लस 4 करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको याद होगा जैसे 1D एरे में एक गिवन इंडेक्स पे आप अपडेट करते हो तो उससे ग्रेटर इंडेक्स, उससे बड़े वाले इंडेक्स पे ही सिर्फ इंपैक्ट आता है, वैसे यहाँ पे भी 3.3 पे अगर कुछ अपडेट करोगे तो इसके बाद वाले इस रेंज के बहुत सारे फिनवी कैरे के इंडेक्सेस पे इंपैक्ट आने वाला है। वो कौन कौन से इंडेक्स है देखना, बहुत ही सिंपल है। सो एक्स को अगेन यहाँ सेट करा 3, y 3। अब सबसे पहले तो 3.3 पे अगर आपने अपडेट करा तो फिनवी कैरे के 3.3 पे तो चेंज आएगा ही, सेम फंडा 1D एरे जैसा, चल एक इंडेक्स पे चेंज करते हो, उस इंडेक्स ने अपने बारे में तो स्टोर कर ही रखा होता है, ओके। नेक्स्ट कौन सा चेंज होगा, तो बहुत ही सिंपल है, वाई को चेंज करो, 3 इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऐड कर दो, जैसे आपने जैसे ही ऐड करा तो ये जीरो 100 हो गया, तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 ने भी इस प्लस 4 को इंक्लूड कर रखा है, सो इस वाले इंडेक्स पे भी प्लस 4 होगा। अगेन वाई के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऐड कर दो, सो जैसे ही इसे ऐड करोगे तो ये समथिंग 8 की इक्वल आ जाएगा, सो 8th इंडेक्स है नहीं तो ये वाई खत्म हो गया। अब जैसे ही वाई के साथ ये काम आपने खत्म करा तो एक्स को चेंज कर दो, मतलब एक्स के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को देखो, उसे ऐड कर दो इसमें, सो 0, 0, 1 4 आ गया, तो एक्स 4 पे आ गया। एक्स जैसे ही 4 पे गया, वाई को फिर से वहीं से इनिशियलाइज करो जहाँ पे पहले इनिशियलाइज करा था, 3, राइट। इस रेंज के बंदे अपडेट हो सकते हैं, सो 4.3, अब अगेन जहाँ पे जाकर आप प्लस 4 करोगे। नेक्स्ट कौन सा बंदा है, वाई के लिस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऐड कर दो उसमें, सो 4.4,
उसमें प्लस फोर कर दो। देख रहे हो, देख रहे हो, फोर्थ इंडेक्स का देखना, फोर्थ इंडेक्स में प्रीवियस सभी कॉलम के बंदों को 4.4 के बारे में देखना, 4.4 के बारे में अगर देखोगे तो गिवन एरे के इन चारों के सम को एंड इन चारों के सम के इस सभी रेंज के सम को स्टोर कर रखा है, जिसमें ये बंदा भी आता है। सभी बॉक्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखना इसमें भी मैंने अपडेट करा है। ये बॉक्स पता है क्या है, 4.3, 4.3 का मतलब है थर्ड कॉलम को पिक कर लो एंड रो चारों पिक करना, थर्ड कॉलम को और रो चारों, मतलब इन चारों के सम को यहाँ पे स्टोर कर रखा होगा आपने, उसमें ये वाला बंदा आ रहा है जिसपे आपने अपडेट करा दिया अभी। फिर से एक और, इस वाले पे भी आपने अपडेट करा था, इसके बारे में देखना, इसके बारे में देखना। ये 3.4 है, सभी कॉलम सिर्फ थर्ड रो, सभी कॉलम सिर्फ थर्ड रो, इन सभी के सम को आपने इस वाले पे स्टोर कर रखा है, उसमें ये बंदा भी है जिसपे आप अपडेट कर रहे हो। अगेन इस वाले पे भी आपने अपडेट करा था, 3.3, इसका मतलब पता है क्या, थर्ड कॉलम और सिर्फ थर्ड रो, ये तो इम्पैक्ट आ ही रहा है यहाँ पे, तो आपने अपडेट कराई है। अगेन इसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं, सो अगेन 4 के लिस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट को आप ऐड करोगे तो वो समथिंग 8 के इक्वल आ जाएगा, 8th इंडेक्स है नहीं तो वाई खत्म। फिर एक्स के साथ यही करोगे तो एक्स के लिस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट को आप ऐड करोगे तो वो भी 8 बन जाएगा, 8 भी नहीं है तो सभी जगह अपडेट हो गया जहाँ होना था। देख सकते हो इस वाले की इन्फो को आपने इन चारों के अलावा और कहीं नहीं स्टोर कर रखा होगा, इन चारों पर अपडेट हो रखा है। ओके सो ये था आपका अपडेट, किसी भी इंडेक्स पर अपडेट करना हो तो आप कैसे करोगे। तो अब आपके पास अपडेट है, अब आप क्वेरी निकाल सकते हो 1.1 से किसी भी x1y1 तक। अब किसी x1y1 से x2y2 तक चाहिए तो ये रहा, सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर ही रखा, राइट। तो जल्दी से इसे कोड करते हैं। सो ये मैंने स्निपेट लिख रखा है ऑलरेडी, इसमें हम ये चार नए चीज़ें, नए फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेस से फैनवी कह रहे आप क्रिएट करोगे, अपडेट अपडेट वाला फंडा, क्वेरी क्वेरी सॉल्व करने वाला फंडा, फंडा फिर भी कह रहे हैं दोनों यार ग्लोबली है। और प्रिफिक्सम, प्रिफिक्सम मतलब प्रिफिक्सम क्वेरी इज किसी भी x1y1 से x2y2 तक, प्रिफिक्सम में आपने क्या रख रखा होगा, आपको एक xy मिलेगा 1.1 से उस x.y तक के जो रेक्टेंगल है उसका सम निकाल कर दे तो बस। ओके सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिफिक्सम निकालते हैं कि 1.1 से x1y1 तक कैसे निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका सम, दैट इज जीरो, सम आपने बना लिया जो आपका आंसर है। अब सबसे पहले तो एक्स डैश रख लो जो एक्स के इक्वल है, जिसे आप चेंज करते रहोगे जिसके बिट के बेसिस पे, जिसके लिए सिग्निफिकेंट बिट को आप माइनस करते रहोगे, वो आपने बना लिया जब तक ये ग्रेटर देन जीरो है, जब तक एक्स डैश ग्रेटर देन जीरो है तब तक काम करते रहो, तब तक क्या काम करते रहो, तब तक क्या काम करते रहो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो वाई डैश एक बनाओ जो वाई के इक्वल है, हमेशा ही सभी x के लिए, सभी x के लिए x के बिट को मैं चेंज करता रहता हूँ, उसके साथ y के बिट को भी चेंज करूँगा, बट एक नए x के लिए y को वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मुझे इनिशियली जो y दे रखा होता है। ओके सो y डैश को हमेशा y से स्टार्ट करूँ एंड जब तक ये y डैश ग्रेटर देन जीरो है तब तक काम करते रहो, क्या काम करते रहो, क्या काम करते रहो, सबसे पहले तो सम में प्लस इक्वल टू कर दो, क्या प्लस इक्वल टू कर दो भाई, एफ एरे के एक्स डैश कॉमा वाई डैश को। ओके सो ये हमने कर दिया ऐड, अब ये आपने सम प्लस इक्वल टू कर दिया, अब वाई डैश को चेंज कर दो, वाई डैश को आप क्या कैसे चेंज करोगे, वाई डैश को आप प्रीफिक्स सम निकाल रहे हो तो पीछे की तरफ लेकर जाओगे, जब कैलकुलेट कर रहे होते हो तो पीछे की तरफ जाते हैं इंडेक्स में, राइट। तो वायरस को आप पीछे की तरफ ले जाओगे, कितना पीछे की तरफ ले जाओगे, तो वायरस को माइनस कर दिया उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करने करते रहो बेसिकली। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को कैसे निकाला जाता है, एक नंबर को उसके नेगेटिव के साथ एंड कर दो, ये 1D फेनवे ट्री वाले में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, क्या लिस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट को निकालने के लिए सिंपली उस बंदे का एंड कर दो उसके माइनस से, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट सबबिट निकल जाएगा, उसे आप ऑफ कर रहे हो। ओके सो ये आपने ऑफ कर दिया, फिर वाइल से निकल के, वाइल से निकल के मतलब वाई डैश की वैल्यू जीरो हो गई है, वाई डैश की वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो एग्जैक्टली यही काम एक्स डैश के साथ कर दो। सो एक्स डैश माइनस इक्वल टू एक्स डैश एंड माइनस ऑफ एक्स डैश। ओके सो ये आपने निकाल दिया, यार एक्स डैश से माइनस कर दो क्या उसका लिस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट, और बड़े एक्स डैश वाली की वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो यहाँ से निकल के रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो सबको। ओके
सो ये हमारा परफेक्ट सम हो गया, सिंपली निकाला पीछे की तरफ चलेगा, निकाला पीछे की तरफ चलेगा। सो अब क्वेरी क्वेरी ये परफेक्ट सम तो 1,1 से x, y तक निकालने का था। अगर आपको x1 y1 से x2 y2 तक निकालने को बोला गया है, सबसे पहले भाई int inclusion 1, सबसे पहला जो इंक्लूजन है वो और कुछ नहीं, परफेक्ट सम को कॉल कर दो, किसके लिए कॉल कर दो, जो x2 y2 है उसके लिए, x2 y2 के लिए कॉल कर दो। सो बेसिकली हम क्या करने लग गए हैं, इस वाले फॉर्मूले को यूज करने लग गए हैं, क्या x1 y1 से x2 y2 इज 1,1 से x2 y2, उसमें से माइनस कर दो x1 minus 1 comma y2, सो जो एक्सक्लूजन 1 है, सो एक्सक्लूजन 1 इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम को कॉल कर दिया, प्रीफिक्स सम को किसके लिए कॉल कर दिया, x1 minus 1 comma y2 के लिए कॉल कर दिया। देन अगेन एक और एक्सक्लूजन है, int exclusion 2 इज नथिंग बट अगेन प्रीफिक्स सम को कॉल कर दो, और प्रीफिक्स सम को किसके लिए कॉल कर दो, x2 comma y1 minus 1, x2 comma y1 minus 1, राइट। एंड एक लास्ट इंक्लूजन, सो इंक्लूड कर दो, जो ऊपर वाला बॉक्स होता है इंक्लूड 2, दैट इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम को कॉल कर दिया, अगेन किसके लिए कॉल कर दिया, x1 minus 1 comma y1 minus 1, ओके, तो इसके लिए मैंने कॉल कर दिया। तो जो आपका आंसर होगा रिटर्न कर दो, किसे रिटर्न कर दो, इंक्लूजन 1 में से माइनस कर दिया हमने, एक्सक्लूजन 1 माइनस एक्सक्लूजन 2 एंड प्लस इंक्लूजन 2, ये रहा। सो जिसे 2 को माइनस करा, इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड करा, फिर 2 एक्सक्लूड करा, ज़्यादा चीज़ें एक्सक्लूड हो गई, तो फिर मैंने इंक्लूड कर दिया, ओके, सो ये हो गया। अब ये आपका अपडेट, अपडेट आपको लिखना है, तो अपडेट भी एग्जैक्टली वैसा ही था, बस इसमें पॉइंटर ग्रेटर वन दो पे इम्पैक्ट आता है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट सेटबिट को मैं ऐड करता हूँ उसमें बेसिकली, राइट। सो अगेन एग्जैक्टली वही, एक एक्स टेस्ट बना लो, क्योंकि एक्स से स्टार्ट हो रहा है, जब तक आपका एक्स टेस्ट, जब तक आपका एक्स टेस्ट एरे डॉट लेंथ से स्मॉलर है, एरे डॉट लेंथ मैंने इनपुट में दिखा दूं, एरे डॉट लेंथ मैंने एक प्लस वन साइज का बना रखा है, जो एम कॉमा एम एन दे रखा है उसके प्लस वन के इक्वल ऑलरेडी बना रखा है, राइट। और फर्स्ट इंडेक्स से ही मैंने प्लेस करना स्टार्ट कर रखा है, सब कुछ वन बेस्ड इंडेक्सिंग ही है, इनपुट जो आपको दे रखा है वो भी वन बेस्ड इंडेक्सिंग ही है, तो मैंने एरे भी वैसे ही बना रखा है। तो सिंपली एक्सप्रेस स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ तक काम कर दो। उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अगेन वही वाई डैश बनाओ, दैट इज नथिंग बट वाई, फिर जब तक वाई डैश आपका स्मॉलर देन है, इससे स्मॉलर देन है एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ से, जब तक वायरस आपका स्मॉलर देन है एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ से, तो क्या करो फेनवीक एरे पे अपडेट कर दो, फेनवीक एरे के एक्स डैश वाई डैश पे क्या पुट कर दो, प्लस इक्वल टू जो अपडेट करने को दे रखा है वैल, इतने का चेंज लाने को बोल रखा है, तो वैल आपने प्लस इक्वल टू कर दिया। फिर यहाँ पे वाई डैश के साथ काम कर दो, वाई डैश के साथ क्या काम कर दो, एग्जैक्टली यही, बट इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट हम माइनस कर देते हैं, अपडेट में हम प्लस करते हैं, क्योंकि आगे की तरफ जाना होता है अपडेट करने के लिए। सो ये मैंने प्लस कर दिया, राइट। अब वाई एक्स डैश के साथ भी एग्जैक्टली यही करोगे आप, सो ये रहा आपका एक्स डैश, एक्स डैश के साथ भी आप वाई डैश वाले से निकल कर पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे माइनस इक्वल टू की जगह प्लस इक्वल टू कर दिया, इतना ही है, वाई डैश प्लस इक्वल टू, और बस वाइल वाई के वाइल से निकल कर एक्स डैश प्लस इक्वल टू, तो ये आपका अपडेट हो गया, राइट। अब प्री प्रोसेस, प्री प्रोसेस इज नथिंग बट अपडेट को यूज़ करके आप बनाते हो, सभी आई कॉमा जे के लिए अपडेट कॉल कर दो एरे ऑफ आई जे, एग्जैक्टली वन डी के जैसा, राइट। वन डी में अपडेट करते रहते हो, इनिशियली 0,0 अज्यूम करते हो गिवन एरे में, और उसमें जैसे जैसे बंदे आ रहे हैं उतने से आप अपडेट करते जा रहे हो, मतलब कुछ कुछ ऐसा याद दिला दो एक बार, मतलब प्री प्रोसेस जो मैंने बताया था वो कैसे स्टोर होता है। सो मैं कुछ यहाँ पे जीरो अज्यूम कर रहा हूँ, मैं क्या पास करूँगा, 1,1 पे मैंने 1 का चेंज ला दिया, बताओ फिर भी कह रहे कि कौन कौन से इंडेक्स पे चेंज आ रहा है, तो अपडेट की इक्विवेलेंट ही होता है वो, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही मैंने करा प्री प्रोसेस में, प्री प्रोसेस में मैंने दो लूप लिख दिया, int i equal to 1, i smaller than array dot length, i plus plus, then for in j equal to 1, first index क्यों, क्योंकि अगेन वही first based indexing है, 0th row and 0th column empty है, right, given array के, so array of 0 dot length
जे प्लस प्लस मुझे मेन इनफैक्ट ओपन रखना चाहिए ताकि आप देख सको, ताकि आप एक बार पॉज करके देख लो कि आप इनपुट वगैरह कैसे मैनेज कर रखा है। जो भी इनपुट है वो m+1 का सब कुछ बना रखा है, एंड फर्स्ट इंडेक्स से चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट कर रहा है। सो ये आपका j इक्वल टू 1 से कॉलम के लिए ट्रैवल, और हर बार अपडेट कॉल कर दो। कैसे अपडेट कॉल करें तो आई इंडेक्स कॉमा जे इंडेक्स पे चेंज आया, कितने का चेंज आया, जो एरे ऑफ आई जे उतने का चेंज आया। तो ये हो गया आपका प्री प्रोसेस। तो इसे जल्दी से रन करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया, इसे सबमिट कर दो। ओके सो ये सबमिट भी हो गया। राइट सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।